बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आज पदभार संभालेंगे। मोहनलाल बुरौली 14 जुलाई को पदभार ग्रहण करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि रोहतक में विधिवत रूप से कुर्सी संभाली जाएगी। मोहनलाल बुरौली अपना पदभार ग्रहण करेंगे, 14 जुलाई को विधिवत रूप से कुर्सी संभालेंगे रोहतक में। रोहतक में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम नायब सिंह सैनी के साथ साथ तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद नजर आएंगे। बता दें कि पदभार ग्रहण करने के लिए समारोह की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो मोहनलाल बुरौली 14 जुलाई को पदभार ग्रहण करेंगे, रोहतक में विधिवत रूप से कुर्सी संभालेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी समेत तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी देखने को मिलेगी, क्योंकि पदभार ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। बड़ी खबर बता दें, हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पदभार संभालेंगे। मोहनलाल बुरौली 14 जुलाई को पदभार ग्रहण करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मोहनलाल बुरौली के पदभार ग्रहण समारोह को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई हैं। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, इसको लेकर के तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल जी, पदभार ग्रहण करने वाले हैं 14 जुलाई को हरियाणा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बुरौली, जिसको लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई हैं, समारोह को लेकर के तैयारियां तेज की गई हैं, पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, मोहनलाल बुरौली को हरियाणा प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है और मोहनलाल बुरौली को कल 14 जुलाई को विधिवत रूप से रोहतक में पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे और पद ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर सभी को निर्देश दिए हैं कि तैयारियों को अच्छे तरीके से किया जाए। बिल्कुल अनिल जी, इस दौरान कौन से बड़े नेताओं की मौजूदगी देखने को मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंच रहे हैं और मोहनलाल बुरौली जो है कल जो है रोहतक में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अब देखना होगा कि इस समारोह में कौन कौन से बड़े नेता शामिल होते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिए, अब हम फिर लौटेंगे आपके पास।